नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सोलर लाइट। भाई सोलर लाइट की बहुत सी इंक्वायरी आती है हमारे पास कि क्या सर हम सोलर लाइट मिल जाएगी। तो मैंने पहले भी एक दो सोलर लाइट दिखाई है, लेकिन आज जो मैं सोलर लाइट दिखाने वाला हूँ वो हमारी होगी रिमोट कंट्रोल, यानी कि वो सारी हमारी रिमोट से कंट्रोल होगी। क्या क्या उसमें फंक्शनैलिटी है, कितना उस पर पैनल लगा हुआ है, कितनी उसमें बैटरी है, कितने वाट की वो लाइट है, कितना उसका बैकअप है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस लाइट को मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप डाल सकते हैं। तो पहले हम एक बार ये लाइट देख लेते हैं। ये इसका बॉक्स है, इस बॉक्स से मैंने इसको मंगाया था। इस पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको एक बार लाइट दिखा देता हूँ। ये हमारी लाइट है भाई, ये इस पर सोलर पैनल लगा हुआ है, ये बैक साइड है इसकी, ये इसकी फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में ये हमारी लाइट है, ये यहाँ पर सेंसर वगैरह के लिए इसमें ये बटन्स दिए गए हैं। ये जो बटन्स हैं ये सेंसर के, ऑन ऑफ के, ये बटन हमारे यहाँ पर भी दिए गए हैं। उसके बाद इसमें नीचे हमारा ये दिया गया है जिससे आप इसको पोल वगैरह पे आराम से लगा सकते हैं। ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं, नट भी इसमें दिए गए हैं, ये नट हैं इसके, ये आपके 6 mm एलकी से आपके क्लोज होंगे। तो ये नट है इसमें, ये हमारा पैनल हो गया, ये हमारी लाइट हो गई। अब बात करते हैं हम इसके रिमोट की, इसमें रिमोट में फंक्शनैलिटी क्या क्या दी गई है। अब रिमोट की अगर हम बात करें तो इसके रिमोट में एक ऑफ का बटन दिया गया है, यानी कि ऑटो मोड में तो ये हमारी ऑन रहती है, लेकिन अगर हम रिमोट से इसमें ऑफ दबा दें तो ये हमारी बंद हो जाएगी। उसके बाद इसमें बटन दिया गया है 2H, यानी कि अगर हम 2 घंटे के लिए इसको लाइट को ऑन रखना चाहें तो 2H का हमें बटन प्रेस करना है। उसके बाद इसमें बटन है 4H का, उसके बाद 6H का, एक ऑलवेज का है, यानी कि आपको हमेशा ऑन ही इसको रखना है। अब ऑटो सेंसर इसमें क्या है, ऑटो सेंसर इसमें यह है कि अगर अंधेरा हो जाए तो अंधेरा होने पर ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ये इसमें ऑटो सेंसर दिया गया है। लेकिन इसमें एक और सेंसर है जो हमारा ये इंडक्शन बटन है। इंडक्शन बटन का मतलब है कि अगर आप इसको मोशन सेंसर देना चाहते हैं, मोशन सेंसर कई बार आपने देखा होगा जो लाइट्स लगी होती है आप वो बंद है, अगर आप उनके नीचे से गुजरोगे तो वो ऑन हो जाएगी, तो वो होता है मोशन सेंसर। तो उसके लिए इंडक्शन का बटन दिया गया, अगर आप मोशन सेंसर पे इसको लेना चाहें तो इंडक्शन का बटन आपको इसमें प्रेस करना है। तो अभी एक बार मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रिमोट में मैं एक बार सेल डाल देता हूँ, सेल डालने के बाद हम देखेंगे कि ये कैसे हमारी प्रोसेस करती है। तो ये हमारी, मैंने इसमें सेल डाल दिया, तो अगर हम इसमें 2H का बटन मैं प्रेस करूँगा पहले, तो मैंने 2H का बटन इस समय प्रेस किया है, तो 2H पे हमारी ये ऑन हो गई। उसके बाद अगर मैं ऑफ दबाता हूँ, ये जो रेड वाला बटन है ये ऑफ दबाता हूँ मैं, ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसकी तरफ करके दबाना पड़ेगा, तो ये हमारी ऑफ हो गई। ऐसे ही इसमें 4H अगर 4 घंटे के लिए, अगर ऐसे ही इसमें 6H और इंडक्शन मोड, मैं इंडक्शन मोड इसमें ऑन कर देता हूँ एक बार, ये इंडक्शन मोड ऑन हो गया। और अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो ऑन करने के लिए इसमें एक बटन यहाँ भी दिया गया, अगर आप यहाँ से इसको ऑन करना चाहें तो यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, आपको ये बटन प्रेस करके रखना है, ये हमारा ऑन हो गया। उसके बाद अगर आप इसी को वापस प्रेस कर देंगे तो ये हमारी ऑफ हो गई, तो यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये लिथियम बैटरी है, सेंसर इसमें ऑटो है, ये एक रेड सा इसमें हमेशा ऑन रहता है, यानी कि इसमें सेंसर हमारा एक्टिव है, ये सेंसर के लिए दिया गया है। और ये रेड लाइट अगर आपको दिखाई दे रही हो, हल्की सी रेड लाइट इसमें जल रही है इस टाइम। तो अब हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस की, डिस्क्रिप्शन यानी कि ये कितने वोट की LED है, क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ इसका बैकअप है। तो अगर हम बात करें उसकी डिटेल्स हमारे इस पर दी गई है। MRP जो प्राइस है इसका वो 4,500 रुपये है, लेकिन जैसे ही इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप डाल सकते हैं, अगर आपको ये लेनी है तो आपको डिस्काउंट भी इसमें हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर हम बात करें, ये जो हमारी लाइट है ये रियल जो वोल्टेज है इसकी 5 वोल्ट की लाइट है, यानी कि 5 वोल्ट की लाइट है। इसमें जो LED पावर लगी हुई है, जो LEDs लगी हुई है फ्रंट में, ये हमारी 30 वोल्ट की है। जैसे हमारी घर में जो 7 वोल्ट 9 वोल्ट की लाइट होती है, तो ये हमारी 30 वोल्ट की है। सोलर पैनल की अगर हम बात करें, ये जो हमारा सोलर पैनल है पॉलीक्रिस्टलाइन है। अब ये जो हमारा सोलर पैनल है ये हमारा 5 वोल्ट में है, और 5 वोल्ट में है,
यानी कि 5 ही वाट का पैनल है और 5 ही वोल्ट में है। तो उस हिसाब से अगर हम इसकी एम्पियर लगाएं तो 1 एम्पियर की हमारी ये चार्जिंग देगा। जब हमारा पैनल 5 वोल्ट का है तो सीधी सी बात है हमारी जो बैटरी है वो 5 वोल्ट से कम ही होगी। तो इसमें जो बैटरी इस्तेमाल की गई है वो 3.2 वोल्ट की इस्तेमाल की गई है, जो कि हमारी 5 AH की है, लिथियम आयन बैटरी है। तो ये इसके डिस्क्रिप्शंस हैं, इसमें लिथियम आयन बैटरी है। और अगर आप इसकी वारंटी की अगर हम बात करें तो 2 साल की इसकी वारंटी दी गई है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसको आपको जो वारंटी मिल रही है वो ऑन साइट वारंटी मिलेगी, यानी कि आपको ये कहीं लेके नहीं जानी, कहीं आपको वापस नहीं भेजनी, जहाँ पर आप इसको लगाओगे वहीं पर आपको इसकी सर्विस प्रोवाइड होगी। तो अगर आप इसको लेना चाहें तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप डाल सकते हैं, इस लाइट की फोटो भी डाल देना, ताकि क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट हमने दिखाए हैं चैनल पर, अब ये नहीं पता लगता कि कौन सा प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, तो ये इसकी फोटो वगैरह डाल देना उस पर। तो उसके बाद मैं आपको इसका प्राइस बता दूंगा, आपको एक्चुअल कितने प्राइस की पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग लोकेशन के हिसाब से कुरियर वगैरह चार्ज मिला के अलग अलग चार्जेस हैं, इसलिए मैं इसमें कोई प्राइस इसका नहीं खोल रहा कि कितने की आपको पड़ेगी। लेकिन एक मैं एवरेज बता दूं, ये 3000 से ऊपर की पड़ेगी आपको, उसके बाद कुरियर चार्ज वगैरह ऐड करके वो आप व्हाट्सएप पर जान लेना। तो भाई ये थी आज की वीडियो, से संबंधित अगर आप कोई सवाल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।